दोस्तों, चीन कभी नहीं सुधर सकता। इंडियन ओशन के बाद चीन सिक्किम पर भी अपनी गंदी चाल चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन के सैनिक चीन भारत सीमा के सिक्किम सेक्टर में नक्कुल और दर्रा के पास एक भयंकर रूप में आमने सामने हुए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में कई कर्मियों को चोटों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्तर पर एक संवाद के बाद विघटित सैनिकों को जोड़ दिया। अगस्त 2017 में लद्दाख की पेंगोंग झील में हुई ऐसी ही घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से विस्फोटों का आदान प्रदान करने का यह पहला मामला था। एक सूत्र ने कहा, सैनिकों ने स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस तरह के मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल किया है। इस तरह की घटना लंबे समय के बाद हुई है। एक स्रोत ने कहा कि शनिवार को कुल 150 सैनिक आमने सामने थे। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा सीमा की अलग अलग धारणा के कारण अस्थायी और छोटी अवधि का सामना होता है। डोकलाम त्री जंक्शन में भारत और चीन की सेना 73 दिनों के स्टैंड ऑफ में लगी हुई थी, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका भी थी। भारत चीन सीमा विवाद 488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को कवर करता है, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। दोनों पक्ष इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीमा मुद्दे के अंतिम प्रस्ताव को लंबित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति बनाए रखना आवश्यक है। डोकलाम गतिरोध के महीनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी शहर वुहान में अप्रैल 2018 में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने संचार को मजबूत करने के लिए अपने रणनीतिक मार्गदर्शन जारी करने का फैसला किया, ताकि वे विश्वास और समझ का निर्माण कर सके। मोदी और शी ने पिछले साल अक्टूबर में चेन्नई के पास मामल्लपुरम में अपना दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, इतने समझौते होने के बाद चीन क्यों नहीं सुधर रहा है? ऐसी हरकतें करने के बाद चीन इन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन की नज़र शुरू से ही सिक्किम पर है, क्योंकि चीन सिक्किम पर कब्जा करके भूटान और अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर सके, पर हमारे देश की सेना उन्हें ऐसा करने से हमेशा रोक देते हैं। दोस्तों, दोनों सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि सिक्किम में हुई घटना को हमने सुलझा दिया है, पर आपको क्या लगता है दोस्तों, चीन कभी सुधर सकता है? तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेनाओं के लिए एक लैग तो बनता है। दोस्तों, अगर चीन फिर से ऐसी हरकत करता है तो भारत को उसे 1967 वाला युद्ध वापस याद दिलाना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।